नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीति मिश्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं कैंसर के लक्षणों के बारे में। मैं आपको ऐसे 5 लक्षण बताऊँगी जो कि कैंसर में पाए जाते हैं, पर ये लक्षण अन्य बीमारियों में भी पाए जाते हैं, तो किसी को भी कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है और घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। पर मेरा ये वीडियो बनाने का बस यही मोटिव है कि आप लोगों को सही से जानकारी मिल पाए कि आपके अंदर क्या क्या बदलाव हो रहे हैं और आप किसी ज़्यादा गंभीर सिचुएशन में ना आए, उससे पहले जाकर डॉक्टर से अपना चेकअप करा सकें। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, अंत तक ज़रूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं कैंसर के लक्षणों के बारे में। तो कैंसर के लक्षण अन्य बीमारियों से भी मिलते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। कैंसर एक जानलेवा बीमारी है, इसको ठीक करने का इलाज आ चुका है भारत में भी, अन्य देशों में भी। तो इतनी भी ज़्यादा आपको घबराना नहीं है। मैं लक्षण बता रही हूँ आपको, उनको नोट डाउन करना है कि आपके अंदर ये बदलाव आ रहे हैं या नहीं, और अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। तो सबसे पहला लक्षण है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी आना, बहुत ही ज़्यादा वीकनेस आना, फैटीग, फैटीग की कंडीशन हो जाएगी, हमेशा थका थका महसूस होने लगेगा। ये वाला लक्षण आपको डायबिटीज़ में भी देखने को मिलता है, थायराइड में भी देखने को मिलता है, और जब आपकी एनीमिक कंडीशन हो जाती है तभी भी देखने को मिलता है। पर यदि ये कैंसर का लक्षण है तो आपको बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा वीकनेस हो जाएगी, आप पैथोलॉजी कराएंगे, कुछ भी नहीं निकलेगा और बाद में पता चलता है कि आप कैंसर से पीड़ित हैं। दूसरा लक्षण है बहुत तेज़ी से वज़न घटना। बहुत तेज़ी से वज़न डायबिटीज़ में भी घटता है, और थायराइड भी दो तरीके के होते हैं, एक मोटा होने वाला, एक कमज़ोर होने वाला। जो कमज़ोर होने वाला थायराइड है उसमें भी वज़न तेज़ी से घटना शुरू हो जाता है। पर यदि आप कैंसर से पीड़ित हैं तो आपके वज़न में क्या होगा, अचानक से बदलाव आएगा, अचानक से कम हो जाएगा और उसका कोई भी रीज़न नहीं रहेगा। तो ये भी एक कैंसर का साइन है, और आपको अगर ऐसा साइन दिखता है तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तीसरा लक्षण है स्किन पेन। ठीक है, जो स्किन होगी उसमें पेलनेस आ जाएगी। पेलनेस आपको जॉन्डिस में भी होती है, पर इसमें एक अलग सी पेलनेस होती है जो कि जाती ही नहीं है, बहुत ही मुरझा सा जाता है चेहरा। और इसका एक बहुत ही बारीक सिम्टम है जो आपको पहचानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें क्या होता है, यदि आपके शरीर में कहीं भी मस्से हैं और अगर आपको स्किन कैंसर होने की संभावना हो रही है तो उसके कान साइड साइड में क्रैक्स हो जाएंगे, स्किन एकदम क्रैक होना शुरू हो जाएगी। वैसे तो आपने देखा होगा जो मस्से हैं वो तिल हैं, एकदम गोलाकार के होते हैं, पर अगर आपको स्किन कैंसर होने के चांसेस हैं तो वो फटना शुरू हो जाते हैं, साइड साइड में चिकत्ते जैसे पड़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और एक और सिम्टम आएगा, आपके शरीर के बाल झड़ना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाते हैं, मतलब सर के तो झड़ते ही हैं, आपके शरीर में से भी बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं और काले काले धब्बे उसके साथ साथ उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब हमारा चौथा लक्षण है यूरिन से रिलेटेड। आपको क्या होगा, यूरिन क्या होगा, यूरिन में ब्लड आना शुरू हो जाएगा। यूरिन बहुत मुश्किल से पास होगा या फिर बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पास होता ही रहेगा, दोनों सिचुएशन हो सकती है यदि आप कैंसर से पीड़ित हैं या कैंसर होने की संभावना आपके अंदर उत्पन्न हो रही है तो। ठीक है, अब कैंसर में क्या है, मैंने और आपका जो पांचवा लक्षण है उसमें क्या है, आपके स्टूल से रिलेटेड है। अभी मैंने यूरिन से रिलेटेड बताया, अब ये स्टूल से रिलेटेड है। स्टूल में भी क्या होगा, ब्लड आना शुरू हो जाएगा, नीचे का हिस्सा ऐसा लगेगा कि फट के अलग हो जाएगा, ऐसा आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। पहले तो आपको ये लगेगा कि आपको पाइल्स हो गया है, पर आप पर ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होगा, स्टूल में ब्लड आएगा और कोई भी पाइल्स का अदर लक्षण नहीं दिखेगा, खाली स्टूल में ब्लड आना शुरू हो जाएगा और ऐसा लगेगा कि आपका निचला हिस्सा फट रहा है। ठीक है, सेल में क्या होता है, ओवर ग्रोथ होती है। ठीक है, ये मैंने आपको पांचों लक्षण बता दिए, अब मैं आपको बता रही हूँ कि सेल क्या होता है कैंसर में। कैंसर में क्या होता है, ओवर ग्रोथ होती है सेल की हमारी बॉडी में,
तो क्या होता है, वो हमारा सारा जितना भी हम पोषण लेते हैं, जितना भी हम खा रहे हैं पी रहे हैं, हमारी लड़ने की ताकत जिनसे जिन चीज़ों से मिल रही है वो बिल्कुल ख़त्म कर देती है, वो उस सेल को ग्रो करना शुरू कर देती है, कैंसर सेल को। तो इसीलिए हम क्या होता है बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फैटीग हो जाते हैं। इसीलिए मैंने आपको दूसरा लक्षण जो बताया था फैटीग वाला, इसीलिए बताया था कि इसमें क्या होता है बिल्कुल ही कमज़ोरी महसूस हो रही है, बिल्कुल किसी काम, आपको लगेगा मैं किसी काम का नहीं हूँ, अब बहुत ही ज़्यादा वीकनेस फील होना शुरू हो जाएगी। यही सारे लक्षण हैं, आपको ध्यान में रखने हैं। यदि आपको ऐसे लक्षण मिल रहे हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपना केस दें और अच्छे से ट्रीटमेंट कराएं, और घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये कैंसर क्या है, ट्रीटेबल है, और ये जो लक्षण मैंने आपको बताए हैं वो अन्य बीमारियों से भी मिलते हैं, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिना किसी डॉक्टर के कंसल्टेशन के आपको नहीं घबराना है, और अगर आप कैंसर से पीड़ित हो भी रहे हैं तो आप ठीक हो जाएंगे। आपको मेंटली हमेशा स्ट्रांग रहना है, क्योंकि अगर हम मेंटली स्ट्रांग रहेंगे तो क्या होगा, हमारी बीमारी भी जल्दी से ठीक हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है, लोग सारे मैंने जितने सिम्टम्स बताए हैं उन पे गौर करने लगते हैं, आप एकदम स्ट्रेस लेने लगेंगे कि हमें तो ये भी सिम्टम आ रहा है, ये भी सिम्टम आ रहा है। तो अगर आप कैंसर से पीड़ित नहीं भी हैं तो आपको मेंटल स्ट्रेस होना शुरू हो जाएगा, एंजाइटी होना शुरू हो जाएगा। तो आपको घबराना नहीं है, स्वस्थ रहना है, अच्छे से खाना है, अच्छे से पीना है और अपना ध्यान रखना है। धन्यवाद। और यदि आप मेरे चैनल पे अगर नए नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बहुत सारा प्यार दें। थैंक यू।